इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से, और इसलिए मैंने मॉर्निंग में रखा था कि ज़रा ज़्यादा टाइम की क्लास हो जाती है। द प्रॉपर्टी बाय विर्चू ऑफ विच टू पार्टिकल एग्जर्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन वन एंड अदर इज कॉल्ड चार्ज। यानी चार्ज की डेफिनेशन क्या हो गई? प्रॉपर्टी बाय विर्चू ऑफ विच टू पार्टिकल एग्जर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन वन एंड अदर इज कॉल्ड चार्ज। इसी तरह ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद चेंजेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, ठीक है, तो किसी किस्म के उनमें फोर्स नहीं होगी, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना मैग्नेटिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है ये डील करता है चार्जेस एट रेस्ट। फिर एक चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, वो चार्ज इन मोशन को डील करता है। और जब भी चार्ज मोशन में होंगे तो एक बात हमेशा याद रखना है कि कुछ ना कुछ फील्ड भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और साथ साथ जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उससे नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। यू नो, अब एक टॉपिक है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि कहलाता है चार्ज पर यूनिट एरिया, इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्यू अपॉन ए से जाहिर करते हैं, और ये सिग्मा से रिप्रेजेंट होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी तरह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रॉ से जाहिर करते हैं क्यू अपॉन वॉल्यूम, ठीक है जी। लेकिन 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 एक बाजार में रखिएगा, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी भी होती है, जो कि इधर हकीकत होती है चार्ज अपॉन लेंथ। किसके ऊपर होती है? चार्ज अपॉन लेंथ। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।